तो स्टूडेंट्स देखिए, 1/7 का जो परसेंटेज इक्विवेलेंट होता है फ्रैक्शन का, वो हम पढ़ते हैं 14.28। इसको याद करने का तरीका क्या है? देखिए, 7 × 2 = 14, 14 × 20 = 8। बट टू बी प्रेसाइज, ये एक्चुअली में होता है अभी 14.2857, अगर आगे भी इसको देखते हैं तो, दो डेसिमल से आगे। तो देखिए, इससे बहुत सारी हम फ्रैक्शन डिराइव कर सकते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। इसको हम क्लॉकवाइज लिखते हैं, 1/7 वाले को 1, 4, 2, 8, 5, 7, सबको हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट डाउन कर लिया। अब देखिए बच्चे, हमें निकालना है 2/7 की वैल्यू निकालनी है। 2/7 आपको पता, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो 28 देखिए कहाँ पे आ रहा है इस सर्कल में, यहाँ पे 28 यहाँ आ रहा है। तो 28 पॉइंट अब डायरेक्ट आगे लिख दीजिए, 5714 5714 डायरेक्ट। अब देखिए, फॉर एग्जांपल 3/7 की वैल्यू निकालनी, 3/7 आपको पता चल जाएगा क्या होगा, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 42 ढूंढिए कहाँ बन रहा है, तो यहाँ बन रहा है 42। तो 42 पॉइंट समथिंग आना, अब समथिंग ही तो लिखना है, 42 लिख दिया। इससे आगे लिख दो आप 8571 8571। फॉर एग्जाम्पल आपको 4/7 की वैल्यू निकालनी है। जब 1/7 14 पॉइंट समथिंग है, तो 4/7 14 को 4 से गुना करेंगे, 56 पॉइंट समथिंग आएगा, या उसे हायर आएगा, मतलब 56 से बड़ा ही आएगा। तो जो आपके सामने सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, 56 कहाँ बन रहा है, 57 बन रहा है, 56 से हायर, 57 लिख लिया। उसके आगे देखो क्या, 1428 पॉइंट के बाद डायरेक्ट लिख दीजिए। अब फॉर एग्जाम्पल बच्चे, आपको निकालना होता 5/7, आपको पता 14 को 5 से गुना करता तो 70 होता, 70 से हायर जाता, 70 से हायर क्या बन रहा है, 71। तो डायरेक्ट लिख दीजिए ना आप 71, उसके आगे 4285। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अब बात करें बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कुछ बेसिक फ्रैक्शंस की। वन तो आपको पता है 100% के बराबर होता है, बट जैसे ही मैं इसका ऑफ करूँगा बच्चे, तो इसका भी ऑफ करना पड़ेगा, ये 50%। इसका फिर ऑफ करेंगे तो 1/4 बन जाएगा, तो ये 25% बन जाएगा आपके पास। इसका फिर ऑफ करेंगे 1/8, तो ये आपके पास बच्चे बन जाएगा 12.5। फिर ऑफ करेंगे तो 1/16 किसके बराबर बन जाएगा, 6.25। अगर फिर से इसका ऑफ करना चाहें तो आगे भी आप निकाल सकते हैं ना, क्या हो जाएगा, 3125 इसका आप कर सकते हैं आप, 6.25 का। इस प्रकार आपने देखा कि आप करते करते हमने इतनी फ्रैक्शंस को आसानी से सीख लिया। एक अब आगे बढ़ते हैं, 1/3 जो होता है बच्चे, वो क्या होता है, 30 किसी चीज़ का तीसरा हिस्सा। अगर इसका मैं आप करूँगा तो ये हो जाएगा बच्चे 1/6, ये हो जाएगा आपके पास, इसका आप करेंगे 16.66। फिर आप करेंगे 1/6 का तो 1/12, तो 16.66 का आप करेंगे तो 8.33। इसी प्रकार आप चाहें तो 1/24 भी निकाल सकते हैं, किसका आप करके 8.33 का। इसके बारे में और भी आगे मैं बताऊंगा निमोनिक्स, ठीक है। तो अब बात करें 1/9 की, 1/9 की अगर 1/3 का 1/3 करते हैं तो 1/9 आ जाएगा, तो 33.33 का 1/3 करेंगे तो 11.11 आ जाएगा। अब यहाँ से एक भी इम्पोर्टेंट बात निकल के और आती है, क्या 1/9 आपके पास 11.11 है, और प्यारे बच्चों जो 1/11 होता है वो होता है 9.09। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखेंगे, 9 वाले में 11 बार बार रिपीट हो रहा है और 11 वाले में 9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो याद 9 वाले में 11 और 11 वाले में 9। अब आप देखेंगे जब 9 से डिवाइड करते हैं या 11 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, कुछ चीज़ें रिपीट होती हैं। इसी तो आप देखेंगे जब 1/22 है, आपको पता है 11 से तो पक्का भाग है, एक तरीका तो यही है इसका ऑफ कर दें 1/11 का। बट इसको याद रखना, इसमें हमेशा 45 45 रिपीट होता चला जाएगा, 4545 45 45, इसी प्रकार से। अगर इसी बात प्रकार में बात करूँ 1/33, तो इसमें बच्चे 30 रिपीट होता चला जाता है, 30 30, सो ऑन। तो इस प्रकार देखा आपने, बहुत सारे फ्रैक्शन को हमने ईजिली लर्न कर लिया। अभी तो कुछ और फ्रैक्शन देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ 1/
13 की। आपको पता है जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से गुना करते हैं, ये भी बात आपको क्लियर है। ये 7 point something आएगा, क्या आएगा, 7 point something आएगा, समथिंग याद करना है। तो जो 13 के स्क्वायर के बाद में 69 आता तो बच्चे यहाँ भी क्या आएगा, 69। इसका इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या होगा, 7.69। देखिए आगे बढ़ते हैं, आपको सभी को पता है 1/20 तो 5% होता है और 1/19 होता है वो होता है 4.76 और 1/21 होता है 5.26। अप्रोक्सीमेटली अगर इसमें से 25.25 घटा देंगे तो आप यहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ पे 0.25 जोड़ देंगे अप्रोक्सीमेटली तो यहाँ पहुँच जाते हैं, क्लियर है। और 1/23 क्या होता है बच्चे, 4.35 और 1/29 होता है 3.45। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जितना नंबर नीचे बड़ा होगा उतनी वैल्यू छोटी होगी। ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ 4 और 3 आपस में स्थान इंटरचेंज कर रहे हैं, बाकी वैल्यू सेम है 4, 3, 3, 4। तो इस लेसन के अंदर मैंने आपको बताया निमोनिक्स के जरिए कैसे, जो ये टेबल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम देखेंगे मल्टीपल जगह इसका यूज होगा। तो इसको बाई हुक और बाई क्रूक हमें याद करना था, तो मैंने ट्रिक की हेल्प से आपको इसको याद करवाने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।